है, मेरे लिए रिकमेंडेशन क्या होगा, तो मेरे लिए रिकमेंडेशन होगा। देखिए आप इतने सारे वीडियो बना रहे हैं, भर भर कर वीडियो बना रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इस वीडियो को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना होगा, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर या नया यूजर या नया स्टूडेंट्स आपके चैनल पर आता है तो उसको पूरा सिस्टमेटिक वे में बनना चाहिए, मिलना चाहिए वीडियो। तो YouTube ने प्लेलिस्ट तो बना के दी हुई है आपको, पर आप बहुत सारे एजुकेटर्स जो प्लेलिस्ट तो बनाते हैं पर प्लेलिस्ट के अंदर भी एक फोल्डर बनता है जिसे मल्टी प्लेलिस्ट कहते हैं। ये जो फंक्शनैलिटी है बड़े बड़े एजुकेशन चैनल यूज करते हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत फायदा मिलता है। पहली बात, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है तो आपको प्लेलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक टॉपिक पढ़ाते हैं और अगर उस टॉपिक को पढ़ने में स्टूडेंट को मजा आता है तो सबसे पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपकी प्लेलिस्ट पे जाता है और वो पूरे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको प्लेलिस्ट मेंटेन करना है और प्लेलिस्ट के साथ में स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना है। मैं चलिए आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं एक एक स्ट्रक्चर को, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, किसने मुझे रिक्वेस्ट करी, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। Are you facing problem to set up for online classes? Paaye apni har problem ka solution via on call and video calls? Mr. Akash Savkari and expert team ke saath. Jitendra ji ne mujhe Instagram par request bheji thi aur request bhejne ke baad mein unhone mujhe yahan par ek screenshot share kiya jo ki Examapur ka screenshot hai aur yahan par unhone chat ke through mujhe bola ki ye jo jis tarike se playlist create kari hai कैसे हम लोग भी हमारे इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे चैनल की लिंक दी और मैंने उन्हें एक वीडियो भी शेयर किया था कि आप इसे देख सकते हैं, मगर उन्हें ये देखकर प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया। फिर अगेन ये एक रीज़न था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना लूँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ आप मुझे @edus_akash पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @edus_akash। फर्स्ट प्रोफाइल आपको दिख रही है, मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड सेम रिक्वेस्ट मुझे आई अपने ही एक और यूज़र, मैंने जो लास्ट टाइम ये वीडियो डाला था राइट, इस वीडियो पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि OBS को PDF कैसे ओपन करना है। उसी पर मुझे एक लेटेस्ट कमेंट आया कि सर जी स्टडी IQ जैसा प्लेलिस्ट बनाया है कैसे बनाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसी रिक्वेस्ट आपकी आती है डेफिनेटली मैं इस पर स्टडी करता हूँ और मैं आपको इस टाइप की प्लेलिस्ट बनाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि Examapur ने अपनी प्लेलिस्ट कैसे बनाई हुई है। देखिए पहली जो प्लेलिस्ट होती है तो होती है डिफॉल्ट प्लेलिस्ट। ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट है, पहली जो प्लेलिस्ट है वो डिफॉल्ट प्लेलिस्ट है। अब जो सेकेंड प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट इन्होंने देखिए ये बना रखी है मल्टीपल प्लेलिस्ट UPSI 2021 उड़ान जिद वर्दी की। तो इन्होंने कितने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर हिंदी, उसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, पॉलिटी है, ये मेंशन किया हुआ है। तो ये थे Examapur चैनल। सिमिलरली स्टडी IQ चैनल की बात करें तो स्टडी IQ चैनल ने भी इसी तरीके से प्लेलिस्ट को मेंटेन किया है, जैसे टारगेट UPSC IAS PSC 2020, उसके बाद GS फाउंडेशन कोर्स। तो आप ये कोर्स वाइज प्लेलिस्ट बना लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे कि Examguruji। अभी Examguruji के इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी आप देखेंगे कि इनकी पूरी ऐसी प्लेलिस्ट है जो प्रॉपर मैनेज नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि अगर एक स्टूडेंट आपके एक कोर्स को, सपोज एक पर्टिकुलर मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे सारे सब्जेक्ट चाहिए जो सिर्फ मेरे CS कंप्यूटर साइंस गेट के लिए है, मैकेनिकल गेट के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MPSI की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे UPSC से रिलेटेड वीडियोज चाहिए, तो उसके लिए इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। देखो साइंस 4 सब्जेक्ट का पढ़ा रखा है, अलग अलग फैकल्टीज ने साइंस पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर ये देखो कितना हॉशपॉश दिखता है, भरा हुआ दिखता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली इसे मैनेज करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे पहला जो सेक्शन होगा हमको उस पर, ये हमारा होता है कोर्स नेम, कि आप कोर्स का नाम क्या देना चाहते हैं। जैसे सपोज अगर आप UPSC पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे UPSC आएगा। ये जो सबसे मल्टीपल प्लेलिस्ट होती है ना, ये प्लेलिस्ट के अंदर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप उसमें सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए। मैं आपको कोर्स का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 1 ऐड हो गया, सब्जेक्ट 2 ऐड हो गया, सब्जेक्ट 3 ऐड हो गया, ऐसे अप टू 10 सब्जेक्ट तक आप ऐड कर सकते हो राइट। अब इन एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं मल्टीपल वीडियोस। तो वीडियोस क्या हुए, हमारे टॉपिक्स हुए राइट। तो सबसे पहले जो ये प्लेलिस्ट है ये एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर बन गए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। उसके अंदर क्या डालेंगे, वीडियोस डालेंगे। एक टॉपिक
मल्टीपल वीडियो कंटेंट कर सकता है, तो आप ऐसे टॉपिक 1, टॉपिक 1.2, 1.3 करके भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं कैसे ये टेक्निकली अचीव किया जा सकता है। देखिए, तो मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब पे ओपन करने के बाद में ये जो गोल आइकन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप जाइए योर चैनल पर। अब इसके बाद में देखिए, ये हमारे क्लाइंट का चैनल है जिनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग और सारा काम करते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि मेरे चैनल पे इतनी प्लेलिस्ट क्रिएटेड नहीं थी, इतनी बड़ी प्लेलिस्ट नहीं थी, इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपको एक दूसरे चैनल पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद में आपको ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ऐड सेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखो तीन ऑप्शन है, सिंगल प्लेलिस्ट, क्रिएटेड प्लेलिस्ट और मल्टीपल प्लेलिस्ट। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है मल्टीपल प्लेलिस्ट। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल प्लेलिस्ट का आपको, देखिए यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे दिखेगा, सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सेक्शन टाइटल। तो आप जैसे यहाँ पे डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ गेट 2020-2021। इसकी हमको एक प्लेलिस्ट क्रिएट करना है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट कर लेते हैं, डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट है, DBMS सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। अब आप देखिएगा यहाँ पे सारी वो प्लेलिस्ट सेक्शन ऐड हो गए। अब आप चाहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर को सबसे ऊपर दिखाना है, इसको सेकेंड नंबर पर दिखाना है, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उन सब्जेक्ट को टॉप पर रखें जो सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्रिएटेड है। ठीक है, ये होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है डन पर। अब डन पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखेंगे तो ये आपकी मल्टीपल प्लेलिस्ट ओपन हो गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने चैनल पे इसको ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ऊपर कर दीजिए, तो सबसे टॉप पर आ जाएगी मल्टीपल प्लेलिस्ट। अब इसको आप ऊपर करिए और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, पब्लिश करने के बाद में तो देखिए हमने ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है, राइट। अब आप देखिए, जब पहले जब ये जो हमको दिख रहा था इस चैनल पर, कुछ ऐसी व्यूज दिख रहा था। अब क्या होता है, इनिशियली जब आप प्लेलिस्ट क्रिएट करते हो, देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश मारूंगा, उसके बाद भी वो प्लेलिस्ट शो नहीं होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है पर दिख नहीं रही है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप इनकॉग्निटो विंडो पे जाओ या प्राइवेट विंडो पे जाओ और यहाँ पर सर्च करो। जैसे मैं यूट्यूब पे चलाकर यहाँ पर सर्च करता हूँ गेट एट जी, राइट। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा वीडियो सेक्शन पे प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर अब मेरे को दो प्लेलिस्ट क्रिएट दिख रही है। एक जो मैंने क्रिएट करी गेट 2021 और क्रिएटेड प्लेलिस्ट जो बाय डिफॉल्ट प्लेलिस्ट होगी। तो आप यहाँ पर देखिए ये पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अब चलिए, प्लेलिस्ट की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। आपने मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएट करना तो सीख लिए, अब जैसे इसी चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो किसी किसी का होम आपका बिल्कुल खाली दिखता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐड सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो शॉर्ट वीडियो सेट करना है, जो अपकमिंग लाइव्स है, जो आने वाले लाइव स्ट्रीम आने वाली है वो आप ऐड कर दो। तो अपकमिंग लाइव वाली स्ट्रीम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो बच्चों को पता रहेगा कि आपके चैनल पे आप लाइव क्या लेके आ रहे हो। ये सेक्शन जो आप देखोगे ना, अपकमिंग लाइव का सेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर जो पास्ट लाइव है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। लाइव नाउ को भी आप ऊपर हाईलाइट कर सकते हो कि अभी आपके चैनल पे कोई यूजर होगा तो लाइव दिख जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ना आपके चैनल के होम पेज पे दिखानी चाहिए। जैसे ये चीज़ अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपको डिलीट करना है तो आप ये रिमूव कर दीजिए। आप ये रिमूव होके फिर आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अपने चैनल पर भी इन चीजों को अप्लाई करेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेटर्स के साथ में मेरे वीडियो को शेयर करें जिन्हें इनकी नीड है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर आपका एक एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई कोचिंग एप्लीकेशन आपके लिए बनाना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थ्रू आउट द वीडियो मैंने आपके सामने एक नंबर फ्लैश किया है, ये मेरा ही नंबर है। यहाँ पर मेरे टीम के मेंबर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।